गाइस काफी ज्यादा गुड न्यूज है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर आप 2023 में ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हो वर्क वीजा पर, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास में। गाइस यहां पर अनाउंस कर दिया ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से एक नया वीजा यहां पर अनाउंस किया गया, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया का एग्रीकल्चर वीजा। अब इसको दोस्तों सब क्लास 403 के नाम से भी आप जानते होंगे, क्योंकि गाइस ये ऑलरेडी सब क्लास 403 के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है वीजा। लेकिन इस वीजा में दोस्तों काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। तो गाइस सब क्लास 403 वीजा पर पहले बहुत सारे कंट्री के लोग थे, सिटीजन थे, जो कि वहां पर जाकर काम कर रहे थे। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट साइन था ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जैसे कि ब्रुनेई हुआ, कंबोडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, लाओस हुआ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे कंट्री के जो लोग थे वहां पर जाकर काम करते थे इस वर्क वीजा पर। ये सारे कंट्री के लोग वहां पर जाकर काम करते थे और बहुत अच्छा अर्निंग ये लोग करते थे। लेकिन दोस्तों अभी एक नया यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। इस एग्रीमेंट का नाम है AICTA। इस एग्रीमेंट के थ्रू दोस्तों इंडिया को भी इन लोगों ने अलाउड कर दिया, आप यहाँ पर जो इंडिया के सिटीजन है वो वहां पर जाकर काम कर सकते हैं 4 साल तक और काफी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। एक क्लीनर जॉब के लिए भी आप दोस्तों यहाँ पर $30 पर आवर के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं इस वर्क वीजा के बारे में, क्या इसका वीजा कॉस्ट है, कितना इसका प्रोसेसिंग टाइम है, कितना एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और कैसे आपको ये वर्क वीजा मिलेगा, इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सब क्लास 403 वीजा है क्या और क्यों इन लोगों को इतना शॉर्टेज हो रहा है कि वर्कर्स को इंडिया से हायर कर रहे हैं। गाइस इस टाइम पर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में वर्कर्स की, चाहे वो ड्राइवर की जॉब हो या फिर फार्म के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसी, डेयरी फार्म हुआ, पोल्ट्री फार्म हुआ और फ्रूट फार्मिंग हुआ, वेजिटेबल फार्मिंग हुआ, इस तरह के यहाँ पर पब्लिक, इस तरह की दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है। तो इन लोग को दोस्तों जो एशियन कंट्री है वहां से लोग पूरे नहीं हो रहे, इसलिए लोगों ने इंडिया को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो गाइस यहाँ पर इस टाइम पर अर्जेंट हायरिंग चालू है और इंडियंस लोग को भी यहाँ पर जॉब मिल रहा है। सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जॉब्स बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप इस वर्क वीजा पर जा सकते हो, और यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आगे आपको स्क्रीन पर लेकर डेमो दिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस वर्क वीजा पर जाने के लिए सबसे पहले जॉब्स अवेलेबल है वो है फार्मिंग सेक्टर में, लाइक एग्रीकल्चर, फ्रूट फार्मिंग, वेजिटेबल फार्मिंग, हार्वेस्टिंग और पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, इस तरह जो यहाँ पर जॉब्स निकली हुई है इसमें दोस्तों आपको अच्छी वाली अर्निंग हो जाएगी। लगभग $30 से $40 पर आवर के हिसाब से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो इस टाइम पर वैल्यू है इंडियन रुपीज में वो है 54 इंडियन रुपीज, 19 से 20 हजार रुपये सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा इस वर्क वीजा के लिए। और इसका जो ड्यूरेशन है, वैलिडिटी, वो है 4 साल। 4 साल तक आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर काम कर सकते हो बड़े आराम से। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 10 से 20 दिन लगता है इस वर्क वीजा को लेने में। अगर आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो विद इन 1 डे के अंदर 25% प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो प्रोसेस रहेगा वर्क वीजा का वो 10 से 20 दिन के अंदर आपका 100% हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, कितना एज होना चाहिए। मिनिमम एज उन लोगों ने बताई है 21 होनी चाहिए। इसके ऊपर कितना भी एज है 60, 70, इट्स ओके चलेगा। नो एज लिमिट, यानी कि मिनिमम एज सिर्फ इन लोगों ने मेंशन किया 21 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। इसके नीचे अगर आपका एज है लाइक 18, 19, 20 तो नहीं चलेगा। 21 से ऊपर आपका एज है तो आप इस वर्क वीजा के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों जो एप्लीकेंट है वो अपने होम कंट्री में होना चाहिए जब इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें। ऑनलाइन आप इसे अपने घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। तीसरी कंडीशन है एप्लीकेंट कैन नॉट ट्रेवल विद फैमिली, दे मस्ट ट्रेवल अलोन। यानी कि दोस्तों आप अपनी फैमिली को इस वर्क वीजा पर साथ में नहीं ले आ सकते हो, फर्स्ट आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। तो आपको वहां का PR मिल जाएगा तब आप डिपेंडेंट वीजा पर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। उसके अलावा दोस्तों एक और यहाँ पर कंडीशन लोगों ने दी है, इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको इतनी आनी चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले को समझा सके और सामने वाले की बात आपको समझ में आनी चाहिए जब आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। नंबर 6 यहाँ पर एक और कंडीशन है, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, लाइक आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, क्लीनर का एक्सपीरियंस है, या फिर आप हाउसकीपर हो, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो, ट्रैक्टर वगैरह चलाने जानते हो, कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास में है, या फिर आपके पास में फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, एग्रीकल्चर फील्ड में आप काम करते हो, कोई एक्सपीरियंस आपके पास में है दोस्तों, इससे आपके वीजा मिलने के चांसेस 90% ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको सबसे पहले कंसिडर किया जाता है, उसके बाद में ही फ्रेशर लोग का नंबर आता है। उसके बाद दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस भी आपके पास में होना चाहिए जब आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई करोगे, और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपके पास में होना चाहिए जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा।
तो गाइस मैंने इस वर्क वीजा की कंडीशन सारी आपके साथ में शेयर कर दी है, सारी कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, इन सभी कंडीशन से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक और चीज आपको बताई, कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपके पास में होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर दोस्तों आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ से इंडिया से बैठे बैठे जॉब अप्लाई करोगे ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयर है आपका सीवी चेक करेगा, अगर उसको सीवी आपको पसंद आता है उसके बाद वो लोग आपको ईमेल करते कि भाई आपने जो हमें सीवी भेजा है ये सब ओके है, अब हम आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं छोटा सा, तो वो लोग वीडियो कॉल के थ्रू आपका एक इंटरव्यू लेते और उसके बाद में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता, तभी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है, उसमें सारी चीजें मेंशन होती है, आपकी सैलरी कितनी होगी, आप कितने साल तक वहां पर काम करोगे, कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, सारी चीजें वहां पर मेंशन होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको यहाँ पर काम आएगा जब आप वीजा अप्लाई करोगे, तो गाइज यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर, और वहां पर आपका वीजा फीस भी वहीं पर पे हो जाएगा ऑनलाइन। तो ये एक प्रोसेस है इस वर्क वीजा को लेने का। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर कैसे जॉब सर्च करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के किसी भी एम्प्लॉयर से, तो इसके लिए आपको फर्स्ट जॉब अप्लाई करना पड़ेगा, जब तक आप जॉब अप्लाई नहीं करोगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को लेने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है एक प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर की, अगर आपको एक प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर चाहिए ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का, तो इसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप यहां पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर सीवी एंड कवर लेटर, एंड अदरवाइज अगर आपको जॉब अप्लाई कराना है तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप पर, या फिर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। एंड गाइज अगेन एक और चीज यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी कंपनी ने आपको कोई फेक ऑफर लेटर प्रोवाइड किया है या फिर कनाडा की तरफ से आपको कोई लीमिया मिला है फेक, तो कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते हो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, वहां पर आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, वहां पर जाइए क्लिक करिए एंड मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती है वर्क वीजा स्टडी वीजा टूरिस्ट वीजा के रिलेटेड। ये वेबसाइट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में चलता है, और यहाँ पर दोस्तों जितने भी जॉब्स है वो एकदम जेन्युइन होते हैं, यहाँ पर कोई भी आपके साथ में स्कैम नहीं होने वाला। जो भी कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर देगी वो बहुत ही कम चार्जेस पे करने के लिए बोलती है, ऑलमोस्ट $10 या फिर $15 इतना ही आपसे बोलेगी, इसके ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी आपको बोलती है कि हमें $200 या $800 पे करो और हम आपको ये जॉब ऑफर लेटर देंगे, तो गाइस ये एकदम फेक है, आपको इतना पैसा किसी भी कंपनी को पे नहीं करना। $8 या फिर $15 या फिर $20 तक अगर कोई कंपनी बोलती है तो इट्स ओके, ये एकदम जेन्युइन है। तो ये एक तरीका है, कोई कंपनी आपके सामने फ्रॉड नहीं करेगी। अब यहाँ पर देखिए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, सिर्फ मैं यहाँ पर आर के हिसाब से आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप डेयरी फार्म की जॉब करते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 25 से लेकर 35 डॉलर पर आर के हिसाब से आप यहाँ पर बड़े ही आराम से अर्निंग कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर मैं आपको ईयरली दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पर एक साल में कितना कमा सकते हो डॉलर, तो यहाँ पर देखिए डेयरी फार्म का दूसरा जॉब है $70,000 से लेकर $75,000 पर ईयर के हिसाब से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप इस अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो लगभग गाइस आप यहाँ पर 37 लाख से लेकर 40 लाख इंडियन रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से अर्निंग कर सकते हो, जो कि दोस्तों इंडिया में रहकर आप काम करोगे तो ये इम्पॉसिबल है, इतना पैसा आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों डेयरी फार्म के अंदर बहुत सारी जॉब है, यहाँ पर आपको काम मिल जाएगा डेयरी फार्म में। सैलरी मैंने यहाँ पर आपको बता दी 60 to 70 है 70 to 75 है, ये सारी चीज़ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइस ये जो फार्म है यहाँ पर आपको देखने में जाएगा लगभग 250 इन लोग के पास में गाय हैं, वहाँ पर आपको फार्म के अंदर रहकर काम करना है। काम आपको क्या करना है ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लोगों ने एकदम क्लियर किया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डेयरी ऑपरेशंस, मिल्किंग वगैरह आपको करनी है, दूध दूना जिसको बोलते हैं गायों का, वो सब काम आपको करना है। लाइव स्टॉक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो पशु है उनका ध्यान रखना आपको हेल्थ का और खाने पीने का उनका। ऑल थिंग्स का रिलेटेड स्टॉक मूवमेंट, जो अपना सामान होता घास वगैरह जो होती है वो इधर उधर लेके जाना। और डेयरिंग काउस ऑफ काविंग कॉफ, ट्रैक्टर वगैरह अगर आपको चलाना आता है या फिर फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हो तो भी यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर अगर आपको आता है तो भी यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। और बाकी आपको रिकॉर्ड कीपिंग ये सब मतलब आना चाहिए, जो मतलब मिल्क यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है वो सब का आपको काउंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आप यहाँ पर बड़े आराम से काम कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और ट्रांसपोर्ट आपको फ्री रहेगा, फूड फ्लाइट अकोमोडेशन ये सारी चीज़ें कंपनी ही आपको प्रोवाइड करेंगी अगर यहाँ पर आपको जॉब मिल जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लीज़ प्रोवाइड ए सीवी इंक्लूडिंग 2 work-related references। तो गाइस यहाँ पर एक प्रोफेशनल सीवी ही आपको जॉब दिला सकता है। अगर आप कोई भी कैनेडा फॉर्मेट इंडियन फॉर्मेट से ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। तो
तो प्लीज़ कीप दैट इन योर माइंड, आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल सीवी बनाकर ही सेंड करना है, तभी यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा। तो प्रोफेशनल सीवी के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, यहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप रीड कर लेना। तो बहुत अच्छी ये जॉब है गाइज, इसको आप अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आपको विद इन 1 वीक के अंदर रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर जाना है और अपना सीवी वगैरह रेडी करना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना, अपना सीक पर अपना प्रोफाइल बनाना है और यहाँ पर आपको जॉब के लिए अप्लाई कर देना। तो जैसे ही आप जॉब अप्लाई करोगे आपको ईमेल आ जाएगा, सिर्फ 3-4 स्टेप में ही आपका यहाँ पर एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीवी ऐड कर देना और यहाँ पर अपलोड रिज्यूम करना है। यहाँ पर देखिए सीवी का ऑप्शन दिया है और यहाँ पर कवर लेटर का ऑप्शन ऐड किया है, तो दोनों डॉक्यूमेंट अलग है, दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ऐड करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इस तरह से दोस्तों आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सेंड हो जाएगा और आपको विद इन 1-2 डेज के अंदर ये लोग रिप्लाई कर देंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर आप एज ए फ्रूट पिकर जॉब करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एज ए फ्रूट पिकर आप यहाँ पर काम कर सकते हो, एप्पल फार्म वाइनयार्ड में आप यहाँ पर काम कर सकते हो, पिकर पैकर का आपको जॉब मिल जाएगा और सैलरी बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत सारी यहाँ पर जॉब है, पिकर पैकिंग की यहाँ पर जॉब है और यहाँ पर स्टोन फ्रूट सुपरवाइजर की यहाँ पर जॉब है जिसमें आपको $30 मिलेंगे पर आर के हिसाब से, और ग्रेन हार्वेस्टिंग में यहाँ पर जॉब है, कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन ग्रेन एक्सपोर्ट, यहाँ पर भी आपको जॉब मिल जाएगा अगर आप खेतों में काम करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए और भी बहुत सारे ऑर्चार्ड हैंड है, मशरूम की यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, तो वहाँ पर आपको मशरूम हार्वेस्टर की भी लोग को जरूरत है, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो है $25 से $30 पर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो वैसे बहुत सारी जॉब्स है यहाँ पर, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी और साथ में एप्पल पिकर की जॉब आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो इन जॉब के लिए भी आप एक बार से चेकआउट कर लेना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी हैंडसम अर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर भी जॉब अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ड्राइवर की भी इन लोग को जरूरत है, फ्रूट पिकर की इन लोग को जरूरत है, और यहाँ पर जो फार्म का नाम है वो है बॉग डैनिच फार्म, इस फार्म में आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। और काम यहाँ पर आपको क्या करना है वो सब इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रैक्टर वगैरह अगर आपको चलाना तो भी जॉब मिल जाएगा, फोर्कलिफ्ट चलाना जानते हो तो भी जॉब मिल जाएगा, ट्रक वगैरह चलाना जानते हो तो भी यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्विक अप्लाई पर जाके जॉब के लिए अप्लाई कर देना। तो वैसे इस तरह से आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो। वैसे यहाँ पर आपको कंपनी फुल स्पॉन्सर करेगी, फूड फ्लाइट अकोमोडेशन सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन वीजा कॉस्ट में भी यहाँ पर आपको पे करना पड़ सकता है 20,000। तो वैसे यहाँ पर फुल स्पॉन्सरशिप जॉब है, कंपनी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी, फूड फ्लाइट अकोमोडेशन साथ में वीजा कॉस्ट आपको यहाँ पर पे करना पड़ सकता है। अभी सारी चीज़ें डिपेंड करती है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो मेक श्योर गाइस आपके पास में एक सीवी होना चाहिए और यहाँ पर आप जॉब अप्लाई करिए और यहाँ पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिल जाएगी और विद इन 20 डेज के अंदर आप यहाँ पर चले जाओगे ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।